कोतवाली में मुकदमा दर्ज। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई कर चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, चमोली हादसा से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। दोषियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई है। जल्द हो सकती है दोषियों की गिरफ्तारी, संबंधित कंपनी के अफसरों पर गिर सकती है गाज। तो ये बड़ी जानकारी चमोली हादसे से जुड़ी हुई सामने आ रही है। चमोली कोतवाली में इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताते चले, बीते दिन ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आई थी कि एक साथ करंट लगने की वजह से 16 लोगों की जान चली गई थी। तमाम तरह के बड़े सवाल उठे कि आखिर ये सिर्फ हादसा है या फिर लापरवाही। अब इस पूरे मामले को लेकर सीएम धामी भी नजर बनाए हुए हैं और ये बड़ी जानकारी, चमोली कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम सक्रिय हो गई है। दोषियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी गठित कर दी गई है और जल्द दोषियों की गिरफ्तारी हो सकती है। आपको यह भी जानकारी देते चले, संबंधित कंपनी के अफसरों पर गिर सकती है गाज, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर एक टीम का गठन किया गया है। जो टीम इस पूरे मामले की जानकारी जुटाई, इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करेगी। और संवाददाता अजित राठी अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजित, इस पूरे मामले को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही, टीम का गठन हो गया, टीम में कौन कौन शामिल और किस तरह से ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ेगी? देखिए, मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के कल से बहुत नाराज थे कि इस पूरे मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। जब मुख्यमंत्री की भरकुटियां तनी तो आज उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, जो एसटीपी का रखरखाव करने वाली कंपनी थी, जिसको वो बनाने की जिम्मेदारी जिसको दी गई थी, जो उसको मेंटेन कर रही थी, उस कंपनी के अधिकारियों की जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। इसके लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई है। अभी मामला भले ही मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया हो, लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो इसमें असली कल्प्रिट है वो सीखचों के पीछे होना चाहिए, वो पुलिस के सिकंजे में, कानून के सिकंजे में होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री के बहुत नाराजगी व्यक्त करने के बाद वहां पर जिला प्रशासन और जिला पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया और एक अलग सी टीमें बनाई जा रही हैं और वो टीमें एक इंस्पेक्टर लेवल के नेतृत्व में होंगी। और जहां भी ये कंपनी के रहने वाले, ऐसा बताया जा रहा है कि ये लोग जो है पटियाला के रहने वाले हैं जिनके पास ये काम था। अब वो कौन सी कंपनी है, अब इंतजार करना होगा कि ये टीम किस तरह से पूरी कार्रवाई करती है। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए अजित बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे न्यूज। I want you so bad.